दुमका लोकसभा क्षेत्र में भाजपा प्रत्याशी सीता सोरेन ने कल्पना सोरेन पर जोरदार हमला बोला है। उन्होंने दुमका में जनसंपर्क के दौरान कहा कि इन लोगों ने झारखंड के 3.5 करोड़ जनता का सर को झुका दिया है। उन्होंने कहा कि पहले कल्पना सोरेन को अपना छवि साफ करना चाहिए। चिलचिलाती हुई धूप में बाबा को स्टेज पर बैठा कर रखा गया, उनका तबीयत खराब है, लेकिन इन लोगों को सिर्फ सत्ता चाहिए और उनको बाबा का जाना का फिक्र ही जान की फिक्र ही नहीं है। कल्पना सोरेन बाबा को खत्म करना चाहती है। झारखंड का 3.5 करोड़ जनता का सर को नीचे झुका दिया और देर के अंदर भी कह रहे कि झारखंड झुकेगा क्या, सब का सर को झुका दिया और कहते झारखंड झुकेगा नहीं। अब कल्पना सोरेन से रुका करके पूरा घूम रही है कि वे वोट दो, पूरे बीजेपी पार्टी को गाली दे रही है, कभी कुछ कह रही है कभी कुछ कह रही है। पहले अपना छवि को तो साफ रखे, इसके बाद बोले कुछ भी दूसरे पार्टी के ऊपर, है कि नहीं। परसों गांडे में वो ऑपरेशन करने गई, आप देखिए इतनी चिलचिलाती हुई धूप में बाबा का तबीयत खराब है, तबीयत खराब है ना, उनको आराम करना चाहिए। पर 11-12 बजे 1 बजे के धूप में स्टेज में हमने देखा बाबा को। आप बताइए हमको सत्ता चाहिए लेकिन बाबा का जान का फिक्र उनको है ही नहीं।